भाई इन भाई ने कर दिया कमाल, अपने ऑटो रिक्शा पर लगा दिया सोलर पैनल, और अब इनका ऑटो रिक्शा है ना अपने आप चार्ज होता रहता है, दिन भर चलाते रहते हैं और दिन भर ये ऑटो रिक्शा ना अपने आप चार्ज होता रहता है। भाई अब इसी सिस्टम से सारे ऑटो रिक्शा चलेंगे, अब सभी ऑटो भाइयों के ना अब ये समस्या का समाधान पूरा होने वाला है। अब भाई चार्जिंग को लेकर काफी परेशान थे, अब ये समस्या का समाधान हो चुका है। दोस्तों यदि आपके पास किसी भी कंपनी का इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है, और ज्यादातर है ना ऑटो ड्राइवर भाई है ना इस चीज से परेशान रहते हैं इसकी चार्जिंग को लेकर, क्योंकि ज्यादातर ऑटो रिक्शा का क्या होता है कि 3 से 4 घंटे में ऑटो रिक्शा चार्ज होते हैं, और अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को ना लंबी दूरी तक नहीं ले जा सकते। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ भाई, अब आप अपने ऑटो रिक्शा को है ना सेल्फ चार्जिंग कर सकते हो, यानी कि आप चलते चलते अपने ऑटो रिक्शा को चार्ज कर सकते हो, वो भी बिना चार्जिंग किए। मतलब आप ऑटो रिक्शा भी चलता रहेगा और साथ में आपका ऑटो रिक्शा भी चार्ज होता रहेगा, हमारा भी ऑटो रिक्शा है ना अपने आप चार्ज होता रहे। भाई हमारी जो चार्जिंग वाली समस्या है ना वो बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऑटो रिक्शा पर काफी वीडियो बनाता रहता हूँ, और मैंने भी काफी इस तरीके के इनोवेशन पर और इन पर काफी जोर देता रहता हूँ। भाई ऑटो भाइयों की ये जो समस्या है ना चार्जिंग वाली, भाई इसका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है ना अपने आप यदि चार्ज हो जाए तो भाई उनकी जो बिजली का खपत है वो भी खत्म हो जाएगा, और जो चार्जिंग में लगने वाला जो समय वो भी बच जाएगा। तो दोस्तों आज से तकरीबन 1 साल पहले एबीपी न्यूज़ पर एक ऑटो रिक्शा की वीडियो पब्लिक की गई थी, और इस व्यक्ति का नाम है श्रीकांत पात्रा, जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर के रहने वाले ये व्यक्ति हैं। इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो कि है ना अभी तक कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कर पाई हैं। मैं आपको आज इनके इस आविष्कार को बताऊंगा कि इन्होंने काम क्या किया है। दोस्तों इन्होंने ना महिंद्रा के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के ऊपर सोलर पैनल लगा दिया, जिसका खर्च है ना तकरीबन 60,000 रुपये इन्होंने बताया है कि 60,000 रुपये का इनका खर्च आया है इस ऑटो रिक्शा पर, और इन्होंने सोलर पैनल लगा कर है ना अब ये दिन भर चलाते हैं इस ऑटो रिक्शा को। मतलब अब इन्हें चार्ज करना नहीं पड़ता अपने घर पर, जब ये चार्ज करते हैं ना तो तकरीबन 150 किलोमीटर के लिए इनका ऑटो रिक्शा चार्ज हो जाता है, और बाकी का जो चार्जिंग है ना दिन भर जब ये चलाते रहते हैं धूप से ऑटोमेटिक ये ऑटो रिक्शा चार्ज होता रहता है। जो इन्होंने जो ये सिस्टम जो अपने ऑटो रिक्शा के ऊपर लगाया है ना सोलर पैनल वाला सिस्टम, हमने काफी इस तरह के इनोवेशन पर काफी प्रयास किया, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। इसलिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि एक ऑटो रिक्शा की बैटरी को चार्ज करने के लिए तकरीबन 3-4 सोलर पैनल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इन्होंने एक ही सोलर पैनल से अपना ऑटो रिक्शा कैसे चार्ज कर दिया, ये थोड़ा सोचने वाला विषय है कि भाई इन ड्राइवर भाई ने ये कारनामा कैसे किया है। हाँ इतना है कि आप एक सोलर पैनल से तकरीबन 25 से 30% तक आप है ना अपने चार्जिंग में इजाफा कर सकते हो, इतना तो संभव है, लेकिन आप दिन भर अपने ऑटो रिक्शा को चार्ज करके इस तरीके से चलाओ ये संभव नहीं है। और ये इन्होंने संभव कैसे किया है भाई, ये तो है ना इनसे ही बात करना पड़ेगा कि भाई आखिरकार ये इन्होंने कैसे किया और इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। तो ये तो इनके सिस्टम में इन्होंने क्या लगाया है अपने ऑटो रिक्शा के अंदर, ये पूरी जानकारी है ना। अगर आप लोगों को भी अगर इस विषय के बारे में अगर कुछ मालूम हो ना तो आप भी मेरे को है ना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपना जवाब दे सकते हो। यदि आपके पास भी इस तरीके का कोई इनोवेशन है अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लेकर, या फिर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर सेल्फ चार्जिंग वाला, तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके वीडियो को कवर करूंगा और आपके इनोवेशन को दुनिया तक पब्लिक करूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।